फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरी चटनी और चटपटी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में, समोसे के साथ, पकौड़े के साथ, कचौड़ियों के साथ, और आप स्लाइस के साथ और कबाब के साथ भी खा सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए तो इसकी सामग्री देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ लहसुन की कलियां ली हुई है, इसे छील ली थी। कुछ अदरक के टुकड़े मैंने काट लिए हैं, और ये धनिया ली हुई थोड़ी सी, और ये हरी मिर्च ली हुई है 5, और सबको मैं मिक्सर जार में मैं डाल दूंगी। डालने के बाद मैं मिक्सर जार में इसे पीस दूंगी। और अब मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। आप अमचूर पाउडर की जगह पे इमली भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, थोड़ा पानी मैं पीसने के बाद ऐड करूंगी। अब चटनी को देख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी, और इसे थोड़ा सा मैं और पीसूंगी। मुझे बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ी सी दरदरी चटनी अच्छी लगेगी। इसको अच्छे से चला देते हैं ताकि जो लहसुन है और अदरक है वो भी पिस जाए इसमें। देख लेते हैं एक बार फिर। ये देखिए, चटनी जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी चटनी पिस गई है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये चटनी थोड़ी सी चटपटी है और थोड़ी सी खट्टी है। इस चटनी का टेस्ट आपको थोड़ा सा चिली सॉस जैसा लगेगा, पर खाने में बहुत टेस्टी है चटनी लगती है। ये चटनी बरसात का मौसम है, गरम गरम समोसों के साथ खाइए, पकौड़ों के साथ खाइए, आपको ये चटनी बहुत अच्छी लगने वाली है। आप इस चटनी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।